अस्सलामुअलैकुम। फरमान ड्राई फ्रूट, ये चकवाल का मेन बाजार है। ये बोर्ड पड़े हैं फरमान ड्राई फ्रूट, ये फ्रूट है। अखरोट किस तरह किलो? ये वाला चाचा अखरोट है ना, अभी फ्रेश है, 360 का किलो आएगा। ये गिल्ला है, 250 का आएगा, वो भी ताजा है। जी जी, ये 360 का। और दूसरा इससे अच्छे वाला खुश्क जो है, अच्छा नहीं है। अच्छा यही है, और ये मैंने आपको बताया था ना, ये झूठ नहीं बोलते, फ्रॉड नहीं करते। ये 200 रूपये का पैकेट है। मुझे उम्मीद है पिंडी में ये 200 रूपये का पैकेट आपको कोई भी नहीं देगा। ये फरमान ड्राई फ्रूट है। ये कौन सा बाजार है आपका? नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? फरमान। और ये बाजार का नाम क्या है? ये चौक शाही बाजार। शाही बाजार। और ये अंजीर मकामी है? अजीन मकामी नहीं। ये देख रहा, उसने कह दिया मकामी नहीं है। ये झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैं 15 दिन बाद दोबारा चकवाल आ गया हूँ। इधर हो जाए, ये देखे, ये निकाले मेरे लिए, वो 10 पैकेट निकाले मेरे लिए। ये बादाम, ये वाला, ये, और ये बादाम मकामी नहीं है? ये वाला नहीं सर, ये मकामी, ये भी मकामी नहीं है। और खुरमानी वो कितने का पैकेट है? मकामी भी होता है और गिलगित का भी होता है। नहीं, गिलगित जो इधर का हमारा मकामी है। तो खुबानी में मुख्तलिफ है चाचा, ये 100 रूपये का पैकेट होता है, वो 150 का। देखिए जी, लेकिन ये कितने का है? खट्टा है। अच्छा नहीं है, खट्टा इधर लड़कियां खट्टी खाती हैं। अच्छा, ये कितने का है? 100 रूपये का। ये देखिए जी, ये 100 रूपये का पैकेट है। बताए, मैं इनकी ईमानदारी पे ऑफरिंग ना करूँ तो क्या करूँ? मैंने आपसे कहा था ना कि आपने अगर कलाश और चित्राल एक दफा आए और देख के हैरान रह जाए, ये लोग झूठ नहीं बोलते। ये खट्टा नारदन है? खट्टा है बिल्कुल। ये किस तरह है? ये बिल्कुल अभी ताजा है, ये 2 पैकेट ही रह गया है हमारे पास। ये देखिए, नहीं थोड़ा सा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। ये खट्टा नारदन अच्छा होता है। ये ले, फरमान ड्राई फ्रूट, PIA चौक, शाही बाजार, चित्राल, ठीक है। और वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था वो यही था कि मैंने वो कैलाश में वीडियो बनाई थी, इनका नाम क्या है? फरमान। फरमान। मैंने चित्राल में वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने पसंद की थी कि इधर कोई लोग बंदे झूठ नहीं बोलते, जो ओरिजिनल रेट है वो लेते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में भी ऐसा एक इलाका है जहां लोग नौसरबाजी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते। शुक्रिया।